दोस्तों, आजकल का युग कुछ इस प्रकार का आ चुका है जिसमें व्यक्ति की केयरलेस लाइफस्टाइल और कुछ भी मनगढ़ंत खा लेना एक आम बात हो गई है, जिसकी वजह से मनुष्य का शरीर ऐसा हो गया है कि वो किसी भी प्रकार की बीमारी की चपेट में आसानी से आ जाता है। दोस्तों, बीमारी की चपेट में आने का एक सबसे बड़ा कारण खराब इम्यूनिटी का होना भी होता है। दोस्तों, क्यों होता है ऐसा कि आजकल व्यक्ति इतना कमजोर हो गया है कि बीमारियां जब चाहे उसे घेर लेती हैं और बीमारियां आसानी से उसके शरीर से जा नहीं पाती है। इसका बहुत बड़ा रीजन ये होता है दोस्तों कि मनुष्य की खुद की गलतियां, जिससे वो सबक नहीं सीखता और उन्हीं गलतियों को दोहराता रहता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके सामने कुछ ऐसी बातों को रखने वाले हैं जिनको अगर आप ठीक तरीके से फॉलो करेंगे तो बीमारियां ना सिर्फ आपसे दूर रहेंगी बल्कि आपको अपनी चपेट में भी नहीं ले पाएंगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शरीर की इम्यूनिटी के बारे में, क्यों यह कमजोर हो जाती है, क्या क्या ऐसे कारण हो सकते हैं, किन किन आम चीजों में बदलाव करके इसको दूर किया जा सकता है और बेहतरीन स्वास्थ्य को पाया जा सकता है। दोस्तों, इम्यूनिटी आपके शरीर में मौजूद टॉक्सिन से लड़ने की क्षमता होती है। शरीर में टॉक्सिन्स के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस या फिर अन्य नुकसानदायक पैरासाइट्स। दोस्तों, सच तो यह है कि शरीर के आसपास बहुत सारे बैक्टीरिया और वायरस मौजूद होते हैं जो आपको कई तरह की बीमारियों से ग्रसित कर देते हैं। शरीर को भारी संक्रमण और बीमारियों से बचाकर रखने के लिए शरीर के अंदर एक रक्षा प्रणाली होती है, जी हाँ दोस्तों, जिसे इम्यून सिस्टम या फिर रोग प्रतिरोधक शक्ति कहते हैं, जो हमें रोगों से बचाकर रखती है, हमें सेफ रखती है। दोस्तों, अगर आपकी इम्यूनिटी मजबूत है, ताकतवर है, तो आप न केवल बदलते मौसम में होने वाली सर्दी खांसी जैसी आम समस्या से बचे रह सकते हैं बल्कि इसकी वजह से आप हेपेटाइटिस, फेफड़े के संक्रमण, किडनी के संक्रमण जैसी गंभीर बीमारियों से भी बचे रह सकते हैं। दोस्तों, एक एक्सपर्ट के अनुसार अगर आप बार बार बीमार पड़ते हैं तो इसका मतलब है कि आपकी इम्यूनिटी मजबूत नहीं है, क्योंकि इम्यूनिटी दुरुस्त रहने पर व्यक्ति न केवल कम बीमार पड़ता है बल्कि बीमार पड़ने पर जल्दी ठीक भी हो जाता है अगर आपकी इम्यूनिटी सही हुई तो। तो दोस्तों, सबसे पहले बताते हैं आपको के खराब इम्यूनिटी के क्या क्या लक्षण होते हैं। दोस्तों, मौसम के बदलने के साथ सर्दी जुकाम का हो जाना, हर समय सुस्ती सी महसूस होना, बीमार होने पर जल्दी ठीक ना हो पाना, बीमारी से जल्दी रिकवर ना हो पाना, थोड़ा सा काम करने पर ही जल्दी थक जाना, ज़्यादा काम करने की क्षमता ना होना, ये सब खराब इम्यूनिटी के लक्षण हैं। अब बात यह आती है कि क्या इम्यूनिटी की क्षमता को हम बढ़ा सकते हैं, तो जी हाँ बिल्कुल, कुछ जरा सी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है जिससे आप अपनी इम्यूनिटी को मजबूत कर सकते हैं। अपनी दिनचर्या और खान पान में केवल थोड़ा सा बदलाव करके आप खुद को स्वस्थ रखने के साथ साथ अपनी इम्यूनिटी को भी सुधार सकते हैं अगर वो खराब है तो। सच तो यही है कि जब आपका इम्यून सिस्टम दुरुस्त रहेगा तभी आप अच्छी सेहत के मालिक बन सकेंगे। इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए नियमित तौर पर आपको एक्सरसाइज के साथ साथ अपने खाने पीने की चीज़ों में सजगता बरतने के अलावा अपने खाने पीने की चीज़ों में उन चीज़ों को शामिल करना जरूरी है जो आपके शरीर को पोषण देती हैं और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती हैं। इसके लिए आप किसी डाइटिशियन से सलाह ले सकते हैं। अपने आहार में आपको दोस्तों चिप्स, फ्रेंच फ्राइज, पास्ता, सफ़ेद आटा, डिब्बा बंद आहार, सोडा ड्रिंक, रेड मीट आदि को भूल कर भी शामिल नहीं करना है अगर आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर है तो, क्योंकि इससे ना चाहते हुए भी आपका इम्यून सिस्टम और कमज़ोर होता चला जाएगा और आप गंभीर बीमारियों की चपेट में आ सकते हैं। दोस्तों, क्या क्या करना चाहिए आपको? दोस्तों, सुबह के नाश्ते की अनदेखी करना बहुत सारे लोगों की आदत होती है। आपने अक्सर देखा होगा कि मान लीजिए कि किसी को ऑफिस की जल्दी है तो उस जल्दी के चक्कर में वो ब्रेकफास्ट सही तरीके से नहीं करता और ऐसे ही भाग जाता है। इससे न केवल ऐसे लोगों की सेहत खराब होती है बल्कि इसका असर उनकी इम्यूनिटी पर भी पड़ता है। अगर आप अपनी इम्यूनिटी को सुधारना चाहते हैं तो चाहे आप कितनी भी जल्दी में क्यों ना हो, सुबह का नाश्ता जरूर करें। ये सुनिश्चित करें कि आपके सुबह के नाश्ते में प्रोटीन की मात्रा आपको भरपूर मिले,
अपने सुबह के नाश्ते में आप उबले हुए अंडे, मौसमी ताजा फल, दलिया, नट्स, अंकुरित अनाज के साथ जूस या लस्सी को शामिल जरूर करें। दोस्तों, ये सभी बहुत ही हेल्दी फूड है। जी हाँ, जब आपके दिन की शुरुआत सही नाश्ते से अगर आप कर लेंगे तो इससे आपके शरीर और दिमाग दोनों को बराबर मात्रा में पोषण मिलने के साथ आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी भी इंक्रीज होती है। इसके अलावा आप क्या क्या कर सकते हैं? दोस्तों, एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि मोटापा आप कंट्रोल में रखें। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मोटापा बहुत सारी बीमारियों की जड़ होती है। सच तो यह है कि मोटे लोग पतले लोगों के मुकाबले पेट से जुड़ी बीमारियों से ज़्यादा ग्रसित होते हैं। मोटापे की वजह से आप डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर जैसी समस्याओं से पीड़ित हो सकते हैं। मोटापे की वजह से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम होने लगती है। मोटापे की वजह से सफ़ेद कोशिकाएं बनने में दिक्कत होती है। जब शरीर में सफ़ेद कोशिकाएं कम होती लगती है ना दोस्तों, तो प्रतिरोधक क्षमता जो होती है वो कम हो जाती है, इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है और जो आम छोटी मोटी बीमारियाँ भी होती है वो भी लंबे समय तक शरीर में रह जाती है, उनसे भी आदमी को छुटकारा आसानी से नहीं मिल पाता। तो इन चीज़ का ध्यान जरूर रखें कि मोटापे को अपने शरीर पर हावी ना होने दें और उसे कंट्रोल कर लें अगर आप मोटापे से पीड़ित हैं तो। और आप क्या कर सकते हैं? दोस्तों, खुद को स्वस्थ रखने और अपनी इम्यूनिटी को सुधारने के लिए शरीर का सक्रिय रहना यानी कि एक्टिव रहना बहुत जरूरी है। अगर आपका शरीर बिल्कुल भी काम नहीं करता है और भूख न लगने पर भी आप खाना खा लेते हैं तो आप पेट से जुड़ी बहुत सारी रोगों को दावत दे देते हैं। जी हाँ, शारीरिक निष्क्रियता यानी कि कोई भी काम न करना, एक्टिव ना होना आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बहुत बुरी तरीके से प्रभावित करता है। इससे बचने के लिए नियमित आपकी जो लाइफस्टाइल है उसमें एक्सरसाइज को अपनी दिनचर्या का हिस्सा जरूर बनाएं। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपका स्टेमिना इंक्रीज होता है, आपको एनर्जी देता है जिससे आपका खाना आसानी के साथ पचता है। इसके लिए आप अपने व्यायाम में योगा और मेडिटेशन के साथ सुबह की वॉक को जरूर शामिल करें। जी हाँ दोस्तों, सुबह की वॉक में इतने सारे गुण होते हैं शरीर के लिए जो आपको बहुत सारी तरीके के अद्भुत फायदे देता है। धीरे धीरे आप एक बार वॉक तो करना शुरू करें, अपने आप शरीर में परिवर्तन आप महसूस करने लगेंगे। इसके अलावा एक चीज़ का और आपको ध्यान रखना है जो अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, वो ये है कि प्रॉपर नींद लें। जी हाँ, अगर आपने अपने लाइफस्टाइल को बदला भी सही, आपने अपनी लाइफस्टाइल को एक्टिव बनाया, अपनी शारीरिक प्रक्रिया को सकारात्मक बनाया, कुछ कुछ काम करने लगे हैं, वॉकिंग आपने शुरू कर दी, एक्सरसाइज थोड़ी बहुत शुरू कर दी है, लेकिन दोस्तों अगर आप पूरी प्रॉपर नींद नहीं लेंगे तो इन सब प्रक्रिया पर पानी फिर जाएगा। जी हाँ, सेहतमंद रहने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपकी नींद पूरी हो। डॉक्टरों का भी मानना है कि स्वस्थ रहने के लिए 8 घंटे की नींद, गहरी नींद जरूरी है। सच तो यह है कि सेहत से जुड़ी बहुत सारी समस्याओं की वजह नींद पूरी ना हो पाना होती है। बदलती हुई दिनचर्या में आप रात के समय भी काम करते हैं जिसकी वजह से आपकी नींद में बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है। अगर आप खुद को स्वस्थ रखने के साथ अपनी इम्यूनिटी को भी सुधारना चाहते हैं तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप खुद को अनावश्यक स्ट्रेस से दूर रखें और गहरी नींद लेकर सोएं। जी हाँ, इसके अलावा खुद को स्वस्थ रखने के लिए ये बेहद ज़रूरी है कि अगर आप किसी नशीली चीज़ का सेवन कर रहे हैं तो उससे बहुत ज़्यादा दूरी आप बना लें। जी हाँ, अगर आप नियमित तौर पर शराब और सिगरेट का सेवन करते हैं तो खुद को स्वस्थ रखने और इम्यूनिटी को सुधारने के लिए अपनी इस आदत पर कंट्रोल करना आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अपने खान पान में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाले खाद्य पदार्थों को शामिल करने के अलावा नियमित तौर पर एक्सरसाइज को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं और शराब और तंबाकू और धूम्रपान जैसे जो गलत शौक हैं इनसे आज ही बॉयकट कर दें। इनको पूरी तरीके से अपनी लाइफ में बैन कर दें ताकि ये खराब चीज़ें आपके खराब होते हुए शरीर को और ख़राब ना कर पाए। इसके अलावा आप दोस्तों कुछ बातों का ध्यान रखें जो अक्सर लोग नहीं रखते हैं। अपने आसपास का वातावरण साफ़ सुथरा रखने के अलावा अपनी शारीरिक स्वच्छता का भी विशेष ध्यान दें।
क्योंकि बहुत सारी बीमारियों का कारण शरीर की गंदगी भी होती है, ना सिर्फ अंदरूनी बल्कि बाहरी गंदगी भी इसके लिए एक बहुत बड़ा कारण होती है। दूसरी बात, तुलसी और करी पत्ता में एंटीऑक्सीडेंट तत्वों की बहुत ज़्यादा मात्रा होती है दोस्तों। प्रतिदिन इनकी 8 से 10 पत्तियां चबाने से रोग प्रतिरोधक क्षमता में आपकी बहुत तेज़ी से इजाफा होगा। इसके अलावा दोस्तों, थोड़ी देर धूप में बैठें ताकि आपका सामना सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों से हो। धूप विटामिन डी का बहुत ही बेहतरीन सोर्स होती है, जो कि हड्डियों को मजबूत देने के साथ आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को भी दुरुस्त करती है। दोस्तों, अब कुछ खास चीज़ें जो कि आपको अपने आहार में सावधानी रखनी है, वो क्या है चलिए आपको एक बार वो भी बता देते हैं। दोस्तों, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अपने आहार में आपको टमाटर को जरूर शामिल करना है। जी हाँ, इसमें मौजूद लाइकोपिन नामक एंटीऑक्सीडेंट आपकी दिमागी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके अलावा टमाटर में विटामिन के, विटामिन सी और फाइबर बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, जो कि इम्यूनिटी को सुधारने में बहुत ज़्यादा मददगार होता है। इसके अलावा संतरा, नींबू, आंवला और मौसम्बी जैसे जो खट्टे फल होते हैं, इसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में होते हैं, जो हर तरह के संक्रमण से लड़ने वाली श्वेत रक्त कणिकाओं का निर्माण करने में सहायक होते हैं। दोस्तों, इन सारी चीज़ों को अपनी आहार का नियमित हिस्सा बना लें। इसके अलावा एक बात आपको बता दें कि जो लहसुन होता है, उनमें भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट बनाने की क्षमता होती है, जो हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक प्रणाली को बीमारियों से लड़ने की शक्ति देता है। दोस्तों, इसमें एलिसिन नामक ऐसा तत्व पाया जाता है जो शरीर को किसी भी प्रकार के संक्रमण और बैक्टीरिया से लड़ने की शक्ति देता है। रोजाना अपने खाने में लहसुन की संतुलित मात्रा को शामिल करने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ने के साथ साथ पेट के अल्सर और कैंसर से भी शरीर का बचाव हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, रोजाना सुबह लहसुन की केवल एक कली का सेवन करने से ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है और लंबे समय तक इम्यून सिस्टम भी आपका मजबूत बना रहता है। दोस्तों, आपको बता दें कि पालक में फोलेट नामक एक ऐसा तत्व पाया जाता है जो शरीर में नई कोशिका बनाने के साथ उन कोशिका की मजबूती और डीएनए की मरम्मत का भी काम करता है। इसमें मौजूद फाइबर आयरन एंटीऑक्सीडेंट को बढ़ाकर शरीर को स्वस्थ रखता है। दोस्तों, पालक में मौजूद विटामिन सी शरीर को हर तरीके से स्वस्थ रखने में मददगार होता है। उबले पालक का नियमित तौर पर सेवन करने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होती है। तो दोस्तों, किसी भी तरीके से पालक को अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें, चाहे आप उसकी सब्जी बनाकर उसका सेवन करें या किसी भी तरीके से जो आपको पसंद हो, लेकिन पालक को ज़रूर शामिल करें। इसके अलावा दोस्तों, मशरूम शरीर की रक्त कोशिकाओं को सक्रिय करने, एक्टिव करने में बहुत ज़्यादा सिद्ध साबित हुआ है। इसमें सेलेनियम नामक मिनरल, एंटीऑक्सीडेंट तत्व, विटामिन बी और नाइसिन पाए जाते हैं। इसके अलावा मशरूम में एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल, एंटी ट्यूमर तत्व पाए जाते हैं। मशरूम में शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने वाले तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए दोस्तों मशरूम को भी अपनी दैनिक लाइफ का हिस्सा बनाएं। इसके अलावा दोस्तों, आपको बता दें कि बादाम भी सेहत के लिए वो अनमोल उपहार है जो कुदरत ने हमें दिया है। जी हाँ, रोजाना बादाम के 8-10 दाने भिगोकर खाएंगे तो केवल शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता ही नहीं बढ़ेगी, बल्कि इसके सेवन से दिमाग को तनाव से लड़ने की ताकत भी मिलती है। बादाम में मौजूद विटामिन ई शरीर में प्राकृतिक तौर पर पाए जाने वाले सेल्स को इनक्रीज करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होता है। दोस्तों, इसलिए बादाम को भी अपनी दैनिक डाइट का हिस्सा जरूर बनाएं। इसके अलावा अपने आहार में मौसमी फलों और सब्जियों को शामिल करें। इम्यून सिस्टम मजबूत बनाने और इम्यूनिटी को मजबूत बनाने के लिए बहुत सारी सब्जियों और फलों का सेवन करने के साथ साथ खूब सारा पानी भी पिएं। पानी भी शरीर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। दोस्तों, पानी पीने से शरीर के विषैले तत्व जो होते हैं, वो पेशाब के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाते हैं, जिसका निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और पानी की कमी की वजह से जो डिहाइड्रेशन जैसी समस्याएं हो जाती है, वो भी दूर हो जाएगी अगर आप प्रॉपर मात्रा में पानी पिएंगे। तो इसलिए पानी का सेवन भी ज़रूर करें और अंकुरित अनाज को अपनी दैनिक जीवन का हिस्सा बनाएं। दोस्तों, ये जो सारी चीज़ें हमने आपको बताई हैं, वो केवल इसलिए बताई हैं कि अगर आप उन लोगों में से हैं
जो अपनी हेल्थ के प्रति सीरियस तो हैं, लेकिन एक अच्छा तरीका नहीं जानते अपनी सेहत को बेहतर बनाने का। दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको न केवल ऐसी ऐसी चीज़ें बताई है जिससे आपका शरीर एक्टिव रह सकता है और कौन कौन सी गलतियां होती हैं जिनको सुधारने का वक्त आ गया है, जिनको आपको सुधार लेना चाहिए। अगर आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर है तो वो मजबूत बन सकती है। इसके अलावा हमने आपको ये भी बताया कि कौन कौन से ऐसे फूड्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, जिनको अपनी दैनिक जीवन में शामिल करके आप अपनी कमज़ोर होती हुई इम्यूनिटी को मजबूत कर सकते हैं, जिससे आप बहुत सारी बीमारियों की चपेट में आने से बच जाएंगे। ये सारी तमाम की जानकारी दोस्तों आप केवल एक ही तरीके से इसको फॉलो कर सकते हैं, वो ये जब आप खुद अपने मन में ये ठान लें कि हाँ, मुझे अपना डॉक्टर खुद बनना है, मुझे किसी और डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से फॉलो कर लेंगे तो 2 महीने बाद भी अगर आप इस वीडियो में कमेंट करने नीचे आएंगे तो आप ज़रूर कहेंगे कि मैंने इन चीज़ों को फॉलो किया और आज मेरा शरीर पहले से बहुत ज़्यादा हेल्दी है। दोस्तों, अगर हर व्यक्ति अपने मन में इन उपायों को अपना लेगा तो उसे दुनिया के किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं होगी, डॉक्टर के पास जाकर लाखों रुपए खर्च करने की ज़रूरत नहीं होगी, वो घर बैठे खुद ब खुद अपना इलाज कर पाएगा और इन बीमारियों से दूर रह पाएगा। कोई भी कितनी भी गंभीर बीमारी क्यों ना हो, वो दोस्तों बीमारी केवल शरीर में इसीलिए बढ़ती है क्योंकि हम अपना ध्यान खुद नहीं रखते, हम खुद अपनी लाइफस्टाइल के प्रति केयरलेस हो जाते हैं और ऐसी गलतियां करते हैं जो कि उस गंभीर बीमारी का बीज हमारे शरीर में डाल देती है और फिर धीरे 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 करके हमारे शरीर को खोखला बना देती है और गंभीर बीमारी को बलवान बना देती है, जिससे वो बीमारी हमारे शरीर में हावी हो जाती है और देर इतनी हो जाती है कि उसके बाद अगर हमारी नींद भी खुले और हम एक्टिव भी रहना चाहें तो भी उस बीमारी से हमारा पीछा नहीं छूटता। तो दोस्तों, अपना डॉक्टर खुद बने, अपनी हेल्थ को सही रखना है तो आज से ही प्रयत्न करना शुरू करें और जो जो चीज़ें हमने आपको बताई हैं उनको प्रॉपर तरीके से फॉलो करेंगे तो यकीनन कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है जो आपके शरीर को छू भी सकती है, वो आपसे कोसों दूर रहेगी। तो दोस्तों, यही थी हमारी आज की जानकारी आप सभी लोगों के लिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को केवल लाइक ही ना करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर वो व्यक्ति जो अपनी हेल्थ को सुधारना तो चाहता है लेकिन फिर भी सुधार नहीं पा रहा है तो एक बार उसको ये वीडियो ज़रूर दिखाएँ, वो भी कहीं ना कहीं प्रयत्न करेगा अपनी हेल्थ को सुधारने का। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद दोस्तों।